चंडीगढ़ में इलाहाबाद उपचुनाव पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। इलाहाबाद में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने दिल जीत लिया है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बयान सामने आया, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने जीता दिल, ये उनकी ओर से कहा गया। अभय चौटाला पर दिग्विजय ने निशाना भी इस दौरान साधा और कहा कि भय आतंक के खिलाफ जनता ने वोट की ताकत दिखाई है। खुद को शेर कहने से कोई शेर नहीं बन सकता, जनता के प्यार से बनता है शेर। अभय चौटाला जनता के दिल में डर पैदा करते हैं। 75% रोजगार कानून ऐतिहासिक कदम है। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते, थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है, मगर किसान के नाम पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी पहचान बनाना चाहेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रही? तो जीतकर वहां पर उनके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद के। शेर तो लोगों के बनाने से बनता है, राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। इलाहाबाद उपचुनाव में हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर हो रहे राजनीतिक अखाड़े में लोगों ने यह दिखा दिया कि किसान के नाम पर आंदोलन हो सकता है, किसान की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर किसान के नाम पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी पहचान बनाना चाहेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। जो लोग 13,000 वोट से जीते थे, किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी, चदूनी जी और सभी किसान नेताओं की सपोर्ट के बाद उनका मार्जिन 13,000 से घटकर 6,000 पे आ गया। जो पोटली रखी थी उस पोटली में सामान नहीं मिला, इसलिए ये सोचने के विषय उन लोगों के लिए है जो जीतकर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए, क्योंकि हमने लोगों के दिल जीते। चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रहे? जिस कमीशन पर उनको विश्वास ही नहीं उस कमीशन का वो फॉर्म ही क्यों भर रहे हैं? जीत कर मुझे हैरानी है, वो तो जीत कर वहां पर उनके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद के, यानी उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो चुनाव हार चुके हैं, जीत कर भी हारे। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर हैं और दुष्यंत जी लोगों के प्यार से उनको वो व्याख्या मिली, ये बहुत बड़ा अंतर है। अब उसको अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है, राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। वो शेर की व्याख्या इसलिए दी जाती है कि वो लोगों के दिल पर राज करे, वो लोगों के दिल पर नहीं राज करते बल्कि लोगों में डर पैदा करते हैं।